बेंगलुरु के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे ईमेल, जांच में जुटे बम निरोधी दस्ते। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को ईमेल के जरिए स्कूल परिसर में बम होने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद बम निरोधी दस्ते स्कूल पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने शुक्रवार को कहा कि शहर के 7 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पुलिस की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं। जिन स्कूलों को धमकी भरा मेल मिला है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल वर्थुर का नाम शामिल है। इसके अलावा गोपालन इंटरनेशनल स्कूल, न्यू अकेडमी स्कूल, सेंट विंसेंट पॉल स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल गोविंदपुरा, एबिनेजर इंटरनेशनल स्कूल, ये वो स्कूल हैं जिन्हें धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि शहर के स्कूलों को ईमेल के जरिए बम होने की धमकी मिली है। पुलिस की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के बाहरी इलाकों के स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। हमारी स्थानीय पुलिस इसकी जाँच कर रही है। इस मामले में SP ग्रामीण ने जानकारी दी कि अब तक हमें बम धमकी मेल के संबंध में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की खबरें भी पूरी तरह से फर्जी हैं। बेंगलुरु ग्रामीण जिले की सीमा के तहत हेबा गोडी में एक स्कूल और बनेर घटा में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें अभी तलाश जारी है। आपको बता दें, स्कूलों को एक गुमनाम ईमेल भेजा गया था जिसमें धमकी दी गई थी कि उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस हरकत में आई और स्कूलों का दौरा किया। एक तकनीकी टीम भी ईमेल की जांच कर रही है। स्कूलों के गुमनाम एड्रेस से भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि धमकी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे मजाक ना समझे। पुलिस को तुरंत बताएं और इसे हल्के में ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मौतों के लिए जिम्मेदार होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।